कैसे आप फाइनली मैं आपसे एक और वीडियो लेकर आया हूँ और आपके फ्रेंड्स से बताऊंगा कि सिबुसु नुकाय वाई फाई राउटर है। तो हम यानी कैसे फ्रेंड्स इनको उसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा यानी कि अनलिमिटेड यानी कि हमारा वाईफाई चलेगा कि बोले कि हमारा लिमिट यानी कि डाटा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनके आपसे वीडियो बने रहे और आप इनके चेक कर लेंगे, इससे इनके आपको मालूम चलेगा कि हमारा ये वाईफाई में जो रिचार्ज है वो यानी कि हमारा अनलिमिटेड चलेगा कि कुछ यानी कि एमबी लिमिट है, ठीक है। तो क्या होता है फिर देखिए कभी कह लेंगे हमारा लिमिट यानी कि घट जाता है, यानी कि बोले कि पूरे चला लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं तो अपलोड कर लेते हैं तो हमारा जो कि नेट यानी कि फास्ट नहीं चलता है और न ही चलता है, ठीक है, यानी रुक जाता है। मगर फिर देखिए हमारा डेट अभी पैसा का ख़त्म नहीं हुआ होता है। तो चलिए फिर से वही चेक करूँगा और कैसे आप तो चेक कर सकते हैं सिंपल छोटा प्रोसेस की वीडियो में बताऊँगा तो आप इनकी जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर सबसे पहले कि क्रोम ब्राउज़र में आइएगा और क्रोम ब्राउज़र के अपने अपने सभी यानी कि ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर सर्च और टाइप वेब एड्रेस में लिखना है सिबुसु सेल्फ केयर, ठीक है। तो जैसे सिबुसु सेल्फ केयर इनके लिखेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए मैं इनकी सिबुसु सेल्फ केयर इनकी साइट पर जाता हूँ और जाने के बाद देखिए फिर यहाँ पर सिबुसु सेल्फ केयर लिख कर इनकी सर्च करा हूँ। उसके बाद इनकी सिबुसु सेल्फ केयर अकाउंट है ना जो कि लिंक वाला फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक करेंगे और जैसे फिर लिंक वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए फिर यहाँ पर हमारा लॉगिन हो जाएगा। आप इनके लॉगिन नहीं करेंगे तो इनके लॉगिन आपका नहीं दिखाएगा, ठीक है। वहाँ पर यूजर नेम और इनके पासवर्ड नहीं आएगा तब इनकी दे दीजिएगा। इस पर इनकी फुल प्रोसेस इनकी लॉगिन कैसे करते हैं मेरा वीडियो बना है, आई आइकन पर लगा दूंगा, प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हमें यूजर जो कि डाटा देखने के लिए कुछ नहीं करना है, राइट इनकी थ्री लाइन इनके यहाँ पर दिख रहा है, इसी थ्री लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और माय सर्विस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे और माय सर्विस वाला ऑप्शन में डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से हमारा कुछ हमारे पास एसेंट एफ एस आ रहा है। तो देखिए फिर से हमारा बेस प्लान बता रहा है 30 MBPS एक मंथ के लिए, परचेज डेट यानी कि बता रहा है, एक्टिवेशन डेट बता रहा है और एक्सपायरिंग डेट भी फिर से इनके बता रहा है, वैलिडिटी बता रहा है और प्लान टाइप फिर देखिए यहाँ पर आप भी इनके देख सकते हैं कि प्लान टाइप यानी कि कितना है, देखिए ठीक है 6,14,400 फिर हमें मिलेगा प्लान टाइप में, ये अनलिमिटेड नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पर अनलिमिटेड आपका लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पर यूजर बैल में इनकी हम कर लिए है यहाँ पर 2,38,023 ओनली जो कि करे हुई है, लगभग बोले कि हमारा 14 दिन इनकी नेट का हो गया, 14 दिन में ओनली 2,03,823 ओनली जो कि हम यूज करे हुए है। और यहाँ पर रिमाइनिंग वैल्यू अभी तक इनकी बता रहा है कि हमारा 4,10,576 इनके बता रहे थे, इन घट कर इतने यूज करे हुए ओनली 14 दिन में और जो कि 14 दिन का इनकी हमारा नेट है। तो फिर देखिए यानी कि ये हमारा एमबी है ना, तो फिर से ये एमबी हमारा डाटा जो कि सिम में किनते है तो वो यानी कि बोले कि हमारा सिम का डाटा और इस एमबी में बहुत ही फर्क होता है, ठीक है। आप इनकी इसका जितना भी यूज करेंगे तो इनकी हमारा ख़त्म नहीं होगा और एनसेल आर 20 सेकेंड के हम डाटा किनते हैं तो उसमें इनके बहुत ही जल्द इनकी खत्म हो जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अनलिमिटेड भी नहीं होगा तो आप इनके एमबी में है ना तो भी फिर बहुत इनके मोबाइल और डिवाइस में यूज करेंगे तो भी इनके खत्म नहीं होगा। मेरा फ्रेंड ऑलरेडी कंप्यूटर में भी ये नेट चलता है तो भी फिर देखिए हमारा अभी तक जो 14 दिन में इतना ही जो कि 2 लाख ही हमारा एमबी इनके खर्च हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा अनलिमिटेड नहीं है, यहाँ से आकर एक चेक कर सकते हैं कि आपका प्लान फ्रेंड्स इनके कौन सा प्लान है, ठीक है। एक मंथ का बेस प्लान है, उसके बाद मिलेंगे हमारा अनलिमिटेड जो कि डाटा नहीं है एमबी वाला है, ठीक है। और फ्रेंड्स कैसे और चेक करना है कि बोलेंगे हमारा कितना जो खत्म हुआ है और बोलेंगे हमारा कितना जो कि बाकी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से इनके थ्री लाइन वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारा मिलेगा यूजर, ठीक है। यूजर वाला ऑप्शन में क्लिक करें तो देखिए फिर हमारा जनवरी जो कि फिलहाल 2023 चल रहा है 30 MBPS का हमारा नेट है एक मंथ के लिए। उसके बाद फिर टोटल यूजर टाइम हावर जो कि बता रहा है 214 घंटा जो कि हो चुका है और टोटल यूजर वैल्यू में इनकी यहाँ पर बता रहा है 1,66,930 MB, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहा है उसके बाद इनकी टोटल डाउनलोड डाटा इनके बता रहा है 1,61,073 जो कि यहाँ पर है और फ्रेंड्स टोटल अपलोड डाटा इनकी बता रहा है कि 5,853 इनकी बता रहा है, ठीक है। तो इसके फ्रेंड्स इनके आपको मतलब बता दें कि इनके हम इनके डाटा अभी फिलहाल जो कि जनवरी में बोले इनके टोटल डाटा यूज कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स हमें इतना जो कि कर लिए, ठीक है। उसके बाद इनके हमें इनके जनवरी वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यूजर डेट हम कर लिए, दिसंबर वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारा दिसंबर का इनके बता रहा है कि टोटल यूजर टाइम और 36 घंटे इनके बता रहा है और उसके बाद बोले इनके एक मंथ जो कि फ्रेंड्स उसी का था, ठीक है। इनकी जनवरी में फिलहाल यूज करी हुई है वो इनके दिसंबर का यहाँ बता रहा है, उसके इनकी टोटल यूजर वैल्यू इनके हम इतना जो कि यूज करे हुए थे उस यानी कि दिसंबर में और टोटल डाउनलोड इतना करे हुए थे, टोटल जो कि डाटा इनकी यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, अपलोड डाटा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक से जरूर करिएगा, ऐसे आकर चेक करिए और फिर डिटेल देखना चाहते तो मैं इनकी वीडियो आइकन पर लगा दूंगा, फुल प्रोसेस इनको वहाँ पर क्या क्या जो कि उसमें फीचर है आप इनकी जान सकते हैं। तो चलिए फिर से वीडियो को लंबा न करते पिन करना चाहता हूँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक से जरूर करिए। चलिए इन करते वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।